तो दोस्तों मेरे पास आ चुका है गूगल का एडसेंस वेरिफिकेशन पिन, और इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल का एडसेंस वेरिफिकेशन पिन वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। 2023 में अगर आप लोग एक नया चैनल बनाए हैं, उसको आप मोनेटाइज करने वाले हैं, एडसेंस पिन आ गया है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बारीकी से बताऊंगा कि कैसे आप अपने एडसेंस पिन को वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से ये काम कीजिएगा, वरना आपका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो सबसे पहली चीज, आपको ये जो पिन है ना, ये $10 कंप्लीट होने के बाद मिलता है। अगर आप लोगों ने चैनल बनाया है, चैनल मोनेटाइज हो गया और आपके एडसेंस में $10 कंप्लीट हो गए, तब आपको ये एडसेंस पिन मिलता है। कई बार तो अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन मुझे बिना अप्लाई किए हुए यहाँ पर ये पिन मिल चुका है। लेकिन इसके लिए $10 कंप्लीट होने चाहिए आपके एडसेंस अकाउंट में, तभी आपको ये पिन भेजा जाता है आपके एड्रेस पर, जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर डालते हैं। ओके, तो सही सही एड्रेस डालिएगा, वरना ये गलत पते पर चल जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। अब जब आपके पास ये पिन आ गया है, तो इसको वेरीफाई करना है। अब आपको सबसे पहले ध्यान से देख लेना है, ऊपर आपको एक पट्टी सी दिखेगी, उसको आपको उखाड़ लेना है। बगल में भी आपको पट्टी मिलेगी, इसको भी आप ऐसे करके आप इसको अच्छे से काट लीजिएगा। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम साइड, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी कटा हुआ रहता है, तो इसको आपको ऐसे कर लेना है, फिर इसको आपको ऐसे खोल लेना है। यहाँ पर मैं आपको पिन नहीं दिखाऊंगा सिक्योरिटी की वजह से, तो आपको इसको खोल लेना है, और यहाँ पर आपको 6 डिजिट का नंबर मिल जाता है, तो इसको आपको एंटर करना है अपने एडसेंस अकाउंट में, और आपका काम ख़त्म। तो अब आपको यहाँ पर आ जाना है अपने मोबाइल स्क्रीन पर। जी हाँ, मैं मोबाइल यूज़ करने वाला हूँ, आप चाहें तो लैपटॉप या कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है अपना ब्राउज़र। मैं यहाँ पर सैमसंग ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, क्योंकि एडसेंस कई बार क्रोम ब्राउज़र में ओपन ही नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका एडसेंस ओपन नहीं हो रहा है आपके क्रोम ब्राउज़र में, तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कीजिए, या फिर आप कोई अदर ब्राउज़र यूज़ कीजिए, जैसे कि सैमसंग ब्राउज़र, या फिर आपके पास रेडमी का कोई ब्राउज़र वगैरह है तो कर सकते हैं, आपके फ़ोन में जो एक ब्राउज़र आता है कंपनी की तरफ से। ओके, तो यहाँ पर मैं सैमसंग ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, सैमसंग फ़ोन में ये होता है ऑलरेडी। अब यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है एडसेंस लॉगिन। ओके, आपको यही सर्च करना है एडसेंस लॉगिन। अब यहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगा adsense.google.com, ये देखिए ये वाला वेबसाइट ही आपको लेना है, साइन इन adsense.google.com। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर आपको अपना मेल आईडी सेलेक्ट करना है अपने एडसेंस अकाउंट का। ओके, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको यहाँ पर सबसे पहले साइनअप करना होगा। यहाँ पर मैंने आईडी सेलेक्ट कर लिया है ईमेल का, अब यहाँ पर पासवर्ड डालकर इसको पहले लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है कुछ इस प्रकार से। अब आपका ये होम पेज है, और देखिए यहाँ पर नीचे दिखा रहा है वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस। ओके, यहाँ पर टू डू लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है वेरीफाइंग योर बिलिंग एड्रेस, और बता रहा है कि ये जो आपका एडसेंस पिन है ना, वो 2 से 4 हफ्ते में पहुँचता है। तो अगर आपका पिन अभी तक नहीं आया है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कम से कम 4 हफ्ते लगते हैं, आप यूँ कह सकते हैं कि 1 महीने तक लग जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पर जैसे ये पिन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है अपना एडसेंस अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस करके एक नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको आपको डिसमिस नहीं करना है गलती से भी। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसे ही आप अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है वेरीफाई चेक का। अब यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो गया है, और देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है एड्रेस वेरीफिकेशन। अब यहाँ पर आपको ये 6 डिजिट का पिन एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने पिन एंटर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर नीचे बता रहा है आपके पास केवल 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। ओके, तो अब आपको यहाँ पर पिन डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका एडसेंस पिन वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। एड्रेस वेरीफाई करने के बाद आपको लास्ट काम करना होता है, बैंक अकाउंट ऐड करना। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और बैंक अकाउंट ऐड कर देने के बाद आपका पैसा आना शुरू हो जाता है महीने के 22 या 23 तारीख के बाद। उसके बाद आपको कुछ भी और नहीं करना होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरा एड्रेस वेरीफाई हो चुका है, यानी कि एडसेंस पिन वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। इस प्रकार से आप लोग भी अपना एडसेंस पिन वेरीफाई कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।